नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अब ये पूरा का पूरा जो किस्सा है, जो ये पूरा का पूरा जो विवाद है, यही खत्म हो चुका है। मेरा बीएमसी द्वारा जो कंगना के ऑफिस पे जो कार्रवाई की गई उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही संजय राउत की तरफ से अब तीखी बयानबाजी सामने नहीं आ रही है, लेकिन कंगना रनौत है जिसने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है। जब से उनके ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया है, तभी से कंगना सीधे तौर पर शिवसेना पर तीखे हमले कर रही है। अब इस बार कंगना रनौत ने बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो पोस्ट किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। पहले आपको बताते हैं कि बाला साहब ठाकरे का वीडियो पोस्ट कर कंगना ने क्या कुछ कहा। ट्विटर पर कंगना रनौत ने एक वीडियो पोस्ट की है जो कि बाल ठाकरे से संबंधित है और उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक थे और उनका सबसे बड़ा डर ये था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी और मैं जानना चाहती हूँ कि अपनी पार्टी की ये दशा देख कर उनको आज क्या महसूस हो रहा होगा। ये वीडियो तब भी खूब वायरल हुआ था जब महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़ शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाया। इतने ही, इस पूरे मामले पर कंगना ने सोनिया गांधी की खामोशी पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है और जिस तरह से शिवसेना ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई की उसे देख आखिरकार सोनिया गांधी की चुप्पी पर कंगना रनौत ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट कर ये पूछा कि आखिरकार एक महिला होने के नाते क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सुलूक कर रही है। कंगना ने सवाल किया कि क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती कि वो संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखे जो हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए थे। इसके साथ ही साथ कंगना ने उद्धव ठाकरे को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज किया था। आपको बता दें कि जब कंगना ने मुंबई में कदम भी नहीं रखा था, उससे पहले ही बीएमसी ने उनके ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफिस के आउटर हिस्से को पूरी तरह तोड़ डाला था और जिसके बाद कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट्स किए और यहाँ तक कि संजय राउत शिवसेना की तुलना बाबर और उसकी सेना से कर डाली थी। हालांकि बाकायदा एक ऑफिशियली एक वीडियो बनाकर कंगना ने ये साफ कर दिया था, उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी थी कि आज आपने मेरा घर तोड़ा है, कल आपका घमंड टूटेगा। तो आपको बता दें कि अब कंगना रनौत पूरे मतलब ये यूं कहें कि उनका 48 करोड़ का जो ये ऑफिस था जिसे उन्होंने अपने तकरीबन 10 से 15 साल की मेहनत से बनाया, उसे बीएमसी ने एक झटके में तोड़ दिया और अब कंगना का ये कहना है कि अपने इसी टूटे हुए ऑफिस से वो अपना काम करेंगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Hello check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hello check check check
आपण बघतोय की बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ कन्ना की बहन रंगोली यहाँ पर आई है आप रुकिए मत हम अंदर नहीं जा रहे हैं आप एक मिनट आप उनसे बात तो करने दीजिए एक मिनट तो अंदर अंदर मैं आपको दिखा फुट पे नजर नहीं आना चाहिए इस बीएमसी को ये बोला गया हालांकि कहते हैं बीएमसी की जो पूरा नियम और कायदा है उसमें तीन नोटिस तो देने ही दे पड़ते हैं आपको उसको जिसका ये मकान है पर जिसका ये मकान है वो तो कभी ही नहीं इसके बावजूद भी नोटिस चिपकाया और सीधे कार्रवाई की ये सब तथ्य ये सब बातें उनके वकील जो है रिजवान सिद्दीकी वो कोर्ट पे रखेंगे और कुल मिला के ये साफ है कि रणभेरी बच चुकी है युद्ध की लकीरें खिंच चुकी है कंगना रनौत लगातार चाहे वो देवेंद्र फडणवीस को जी बुला रही हो पर उद्धव ठाकरे के और यहाँ पर कंगना पहुंच गई है इस वक्त में आपको जो लाइव तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर कंगना 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 कं